भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? और आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन बनी? किसने लगा? अगर आपसे पूछे लोकसभा की प्रथम महासचिव तो नाम आएगा इसने लगा, ठीक है। अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी? कौन थी? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और भारत की प्रथम आपसे पूछे कि महिला सांसद कौन बनी? आंसर होगा राधाबाई स्वरायण। राधाबाई स्वरायण भारत की प्रथम महिला सांसद बनी थी। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी? आप कह देंगे राजकुमारी अमृतकौर। क्या नाम है? अमृतकौर। ठीक है। यदि आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष आपके रोज मिलियन कौन थी? रोज मिलियन बनाई थी। और यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जैसे मैंने ये पूछा आप लोगों से यहां से, तो आप ये भी जानते हैं कि भारत की सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? राजे सुल्तान। कौन थी? राजे सुल्तान। लेकिन अगर आपसे पूछा कि भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? आपको ध्यान रखना है। आज आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, क्या बात है? उसके बाद नेक्स्ट आप जानते हैं कि हम लोगों ने बताया था कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश। आपसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला जो भारत की प्रथम किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला कौन बनी है? गलत हो गया, ये प्रधानमंत्री नहीं है, मतलब कह रहा हूँ किसी राज्य की पहली विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो आंसर आएगा आपका सन्नू देवी। कौन थी? सन्नू देवी। तो सन्नू देवी जो थी वो पहली क्या बनाई गई थी? विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत के जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? कौन थी? और उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश की बनाई गई थी। और यदि आपसे पूछे कि भारत की प्रथम मुख्य भारत की प्रथम सत्र न्यायाधीश महिला कौन बनी है? अन्ना चांडी। कौन थी? अन्ना चांडी बनाई गई थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी किस राज्य से थी? किससे? केरल से। आपसे पूछा जाए कि अशोक पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? मिर्जा भट्ट को सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजयलक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। आपसे पूछे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली गुप्ता। क्या नाम है? आरती शाह गुप्ता। आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मदर टेरेसा कौन थी? माउंटेन एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला चंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता पाल। कौन बनाई थी? अगर आपसे पूछे मिस यूनिवर्स जो है बनने वाली पहली भारतीय महिला सुचेता कौन थी? सुचेता। और भारत रत्न से सम्मान पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला आशा पूर्ण देवी किसको मिला था? आशा पूर्ण देवी को मिला था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एन चंदन कौन थी? एन एम चंदन थी। यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला परमेश्वरी कौन थी? परमेश्वरी। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल दोनों पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो कुंजू रानी देवी। कौन थी? कुंजू रानी देवी। इन्हें ही कहा जाता है ग्रैंड ऑर्डर लेडी। क्या बोलते हैं इनको? ग्रैंड ऑर्डर लेडी, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत की प्रथम महिला मेयर कौन बनी थी?
तो आप कह देंगे इसे मान्य थी कौन, तारा जैन। कौन थी, तारा जैन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कौन बनी थी, कामनी राय थी। कौन थी, कामनी राय। और भारत में प्रथम महिला स्नातक कौन थी, तो आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली थी। और दूसरी कौन थी, चंद्रमुखी बसु। कौन थी, चंद्रमुखी बसु थी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी, फिजी सेवा के अंदर आनंद भाई गोपाल राव जोशी बनाई गई। कौन थी, आनंद भाई गोपाल राव जोशी को बनाया गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन बनी, सुरेखा शंकर यादव को बनाया गया था। भारत के अगर आपसे पूछे भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट किसको बनाया गया, तो हरिता कौर दयाल को बनाया गया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत की प्रथम महिला जो कि एयरवेज पायलट बनी थी वो कौन थी, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ से, आप कहेंगे दुर्गा बनर्जी। कौन थी, दुर्गा बनर्जी थी। और यदि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताइए कि भारत की प्रथम महिला जो लेफ्टिनेंट जनरल बनाई गई थी वो थी पुनीता अरोड़ा। कौन थी, पुनीता अरोड़ा बनाया गया। ठीक है, यदि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। ऑस्कर अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, मानो अकेला। यदि आपसे पूछा जाए बताइए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो आप कह देंगे यहाँ से कौन है, कमलदीप सदुरु। कौन थी, कमलदीप सदुरु। यदि आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीना कौशल। कौन थी, रीना कौशल। यदि आपसे पूछा जाए कि सात प्रमुख समुद्रों को तय कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें बुला चौधरी। कौन थी, बुला चौधरी। आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रथम महासचिव कौन बनी, बीएस रमादेवी को बनाया गया था। और राज्यसभा में नियुक्त पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, नरगिस को बनाया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें अगर हम नरगिस की बात कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो आप कह देंगे इसमें कौन नाम था, गलत, आपका आंसर मेहर मूसा है। क्या नाम है, मेहर मूसा। अगर आपसे पूछे अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो आंसर आएगा मेहर मूसा हो जाएगा। कौन होगा, मेहर मूसा। यदि आपसे पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी में पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, अमृता बनेगी। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी, सिनेमा भारतीय सिनेमा में भाग लेने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी। कौन थी, देविका रानी। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो आप कहेंगे जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक को बनाया गया था। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें हमने ये भी कहा था क्वेश्चन में जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन कह सकते हैं समाचार में वाचक प्रथम महिला कौन थी, तो आपका क्वेश्चन होगा इसमें बोलते हैं प्रतिमा कौन थी, पूरी। कौन थी, प्रतिमा पूरी थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी संधु। कौन थी, पीवी संधु थी। यदि पूछा जाए आपसे ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या इसमें, साइना नेहवाल। कौन थी, साइना नेहवाल। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला साक्षी मलिक। कौन थी, साक्षी मलिक। भारत की पहली महिला विदेश सचिव किसको बनाया गया था, जोगीरा अय्यर। किसको बनाया था, जोगीरा अय्यर। दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला, आंसर आपको क्या हुआ, मिताली राज ने दोहरा शतक बनाया था। क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली जो महिला है कौन है, डायना एडवर्सन। कौन है, डायना एडवर्सन को
पाया जाता है? ऑप्शन पूछा जाता है कि WTA में, WTA टेबल टेनिस में प्रथम महिला कौन बनी है? कौन थी? आपसे पूछे नॉर्मल मोनोलॉग जो है इसमें पहली महिला कौन है पुरस्कार पाने वाली? तो अमृता पटेल है। कौन है? अमृता पटेल। नॉर्मल मोनोलॉग पुरस्कार जीतने वाली अमृता पटेल है। और यदि आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला, तो आपका आंसर क्या होगा? अवनी नेहरा। कौन है? अवनी नेहरा। आज के